वफा खलूस के लम्हे नहीं रहे, अहदो वफा खलूस के लम्हे नहीं रहे, हर शख्स बेवफा है यसू साहब की बगैर। मैं अभी प्रोग्राम के आगाज में दावत दूंगा अपने बहुत ही प्यारे भाई जुनेद खान साहब को कि वो आए और आज के प्रोग्राम के लिए दुआया कलमात अदा करें। के नाम से हम तेरे दिल से शुक्रगुजारी करते, तेरे चरणों में आते और तुझे मुबारक कहते हैं। गुलाम इस खूबसूरत शाम के लिए भी तशरीफ करते हैं जो तुमने अदा की, ताकि हम सारे बहन भाई यहाँ मिलकर आज तेरे खूबसूरत कलाम को सीखें और क्रिसमस की सेलिब्रेशन की जो है वो सेलिब्रेट करें। आज गुलाम इसी तरह से अपने प्यारे भाई ईमान और जितने यहाँ मौजूद हैं उन सब के लिए बड़ी चाहते हैं। गुलाम इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी मदद करना, जिस तरह बहुत सारे बहन भाई यहाँ पहुँच चुके हैं उन्हें हिफाजत फरमाई है, हम शुक्र करते हैं। और जितने अभी तक नहीं पहुँच पाए रिश्तों में वो बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचे, और हम सारे मिलकर इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखें और शानदारी हासिल करें। और उस बड़े भेद गुलाम जो तुझे अपने बेटे यीशु मसीह को संदेश का हम पे रिवील किया उसको गुलाम मुकम्मल तौर पर समझें और अपनी जिंदगी में गुलाम जगह दे ताकि उसके मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल सके। आ हम सब तुझे बरकत दे जी, एकदम फिर तालियां हो जाए यहाँ पे देखिए मैम, हम आपको वेलकम कहते हैं। पास्टर साहब बहुत ज्यादा वेलकम आपको सीएसएम के प्लेटफॉर्म से। मैं दावत दूंगा जनाब अतर गुलजार साहब से, एफबीआर इंस्पेक्टर, वो आएंगे और अक्षय मंडी साहब से वो पेश करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम सर। और फादर साहबान से गुजारिश है कि अपने आसपास वाले लोगों को बताना नहीं आता, लेकिन जो है सवाल बहुत आसान है। आसान सा सवाल, यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? आप क्या करना अपना जवाब भी दे सकते हैं। ये कैसा सवाल हो गया? अच्छा, यीशु मसीह की पैदाइश में सबसे अनोखी बात क्या थी? हाथ खड़ा करना सिर्फ जी। वो पीछे जी, जल्दी आ जाए जरा। सबसे अनोखी बात क्या थी आप बता नहीं सकते प्लीज? बेटा जल्दी आओ, बात को आपने कोशिश तो की, आपके लिए तालियां। आपने सिर्फ हाथ खड़ा कर दिया जी, इधर से नहीं आप बोल नहीं सकते। तुझे सारा क्वेश्चन तो पता ले लिया पास। इसके बाद फिर दोबारा पूछेंगे। Thank you.
से उखाड़ सकते। अगर आप मसले को जड़ से नहीं उखाड़ सकते, आप अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप लीड नहीं कर सकते। फिर वो बाकी कंप्रोमाइजेस हैं कि ठीक है मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, मैं ब्लास्फेमी पे बिल पेश नहीं करूंगा, लेकिन मैं जॉब कोटे पे कर दूंगा, मैं एजुकेशनल कोटे पे कर दूंगा, मैं तरक्की फंड दे दूंगा। दीज आर कंप्रोमाइजेस, और ये कंप्रोमाइजेस लीडरशिप और लीडरशिप के लिए आइडियोलॉजी पे, नजरियात पे, विजन पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। लीडरों की जान चली जाती है, लेकिन वो अपने असूलों पे समझौता नहीं करते, प्रिंसिपल पे कभी लीडर समझौता नहीं करते। तो ये एक मेन उनकी लीडरशिप की क्वालिटी है। फिर देखना चाहिए कि ट्रेनिंग क्या है, क्या लीडरशिप की ट्रेनिंग है, ये मैटर करती है। कितने क्या पैसे आ गए, किसी से फंडिंग आ गई, चार टूर्नामेंटों पे जाके हार पे ना लिए क्रिकेट के और फुटबॉल पे, तो कहना जी मैं लीडर हूं, ठीक है ना, इस तरह ही होता है हमारे मन बातें। तो अब देखना है कि क्या उसकी ट्रेनिंग क्या है, क्या वो किसी मूवमेंट का पहले हिस्सा रहा, चाहे वो अपने कॉलेज में हो, स्टूडेंट मूवमेंट चलती है कॉलेजेस में, क्या उनका हिस्सा था, क्या उसने कभी स्टूडेंट्स के अपने क्लास फेलो की प्रोफेसर के क्लास स्ट्राइक करवाई, क्या उसने अभी अगर ईस्टर पे कोई पेपर है हो गया तो उसने कभी जाके बोर्ड में बात की जी हमारा पेपर कैंसिल करो हमारी तो ईद है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिस पे लीडरशिप की आपकी ट्रेनिंग जाहिर करती है जी मैं इस ट्रेनिंग, फिर वो जाके कहीं किसी कभी उसने अपने पादरी या फादर के खिलाफ उसकी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की। तो ये चीजें एक नेचुरल बॉर्न लीडरशिप में होती हैं और वो शो भी करता है। तो हमें लीडरशिप को पहचानने के लिए कि अगर हमने लीडर बनना है तो हमें फिर इस डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो घर में ही डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे आपका बाप आपकी बहन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तब भी आपको बोलना चाहिए दिस इज ट्रेनिंग। तो आपको इस ट्रेनिंग पे, या समटाइम भाई अपनी बहन को हिस्सा नहीं देते जाएगा, तो अगर आप चुप करके हिस्सादार बन रहे तो आप लीडर नहीं है। आपने लीडरशिप करने के लिए तब भी जहां पे ज्यादती होगी लीडर वहां पे बात करेगा और डट के बात करेगा और स्टैंड लेगा उसके लिए और फाइट करेगा। तो ये एक लीडरशिप की कुछ खूबियां। अब तीन चार बातें हैं कि लीडरशिप में क्या नहीं होना चाहिए। लीडर को करप्ट नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल करप्ट नहीं होना चाहिए, मॉरल करप्ट नहीं होना चाहिए, अखलाकी तौर पर तो ये लीडरशिप को करप्ट नहीं होना चाहिए। किक बैक्स लेके या बाकी जो जर जंग जमीन वाली बात हम करते हैं, तीनों में से कोई कंप्रोमाइज करता है तो फिर वो करप्ट है। तो करप्ट पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करप्ट लीडरशिप की वजह से हुआ। वो किसी भी जमात से हो, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट से हो, वो जुडिशरी से हो, या वो मतलब ब्यूरोक्रेसी से हो, पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार करप्ट लीडरशिप है। तो लीडर को करप्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लीडर को दलेर होना चाहिए, बुजदिल नहीं होना चाहिए। जितने भी बड़े लीडर हैं, दलेर लोगों का हिस्ट्री में मकाम है, बुजदिल का कोई मकाम नहीं है। तो बुजदिल हमेशा जो है वो चाहे जेल की सलाखों से डर के भाग जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा या कोई लालच देगी इस तरह। तो ये तीन चार चीजें थी, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। ये थोड़ी सी मुझे मेरे नाकस इलम के मुताबिक आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। जो वक्त मुझे दिया गया है उसी में मैं अपनी बात जो है वो आपके साथ कर सकता हूं। मुझे नुमान साहब की तरफ से ये इन्विटेशन मिली कि मैं आज इन तलबा के दरमियान आकर खुदावंद की खिदमत कर सकूं। तो आई असल उनके अब्बा मेरे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया है। तो उनके अब्बा के बिहाफ पे मैंने इन्विटेशन को लिया। आज जॉन 3:16 बड़ी खूबसूरत वर्स है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इस वर्स को पढ़े। खुदा दुनिया से ऐसे 1944 की बात है, साथ में बर्तानिया और जर्मन जब ये जंग बड़े जोरों पे थी, 24 की शाम दिसंबर वो अपने घर में गुलामों की, ऐसे में उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला तो एक बर्तानवी सिपाही था जो जख्मी करने लगी
तो इतने में उसका दरवाजा फिर रेत का बनवा को उसने उन्होंने अपनी जो गले थी वो एक दूसरे से तान ली। ऐसे में वो बुजुर्ग औरत उनके दरमियान और उनको बिठाया और उनकी आपस में सुलह कराई और ये पैगाम दिया कि जी और ये पैगाम मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूं। क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ लव, ये मोहब्बत का वक्त है और ये नॉट ओनली ये वो वाली मोहब्बत नहीं है जो मैं और आप एक दूसरे से करते हैं, ये खुद गर्जाना है। लेकिन जैसे ही हम उसके बेटे यीशु को कबूल करते हैं दैट इज टर्न इन टू द डिवाइन लव, ये इलाही मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और मैं जाती तौर पर खुद गर्ज मैं अपने किसी दुश्मन से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं अपने बुरा किसी चाहने वाले के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि मैं गिरावट का शिकार हूं। लेकिन जैसे ही डिवाइन लव हमारे अंदर काम करता है जो मसीह की मोहब्बत से पैदा होता है, मैं आपने सुना होगा अजीम जंगजू था अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में उसने ये बात कही, उसने कहा मी एंड अलेक्जेंडर कंकर्ड द वर्ल्ड विद द वेपन बट जीसस ऑक्युपाइड द वर्ल्ड विद लव, उसने मोहब्बत के साथ दुनिया को फतह किया है, वो मोहब्बत को देने दुनिया में आया है। लोगों ने किस तरह से आगे बढ़ना है, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जो हमें जेंडर बैलेंस भी नजर आ रहा है, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो हम दोनों ने साथ में मिलके काम करना है। तो यूथ ग्रुप्स की खूबसूरती यही है कि जेंडर बैलेंस होना बहुत लाजमी है उसमें, लेकिन इसमें एक बात है कि अपॉर्चुनिटीज देना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फीमेल भी है मेल भी है, तो अपॉर्चुनिटीज हमने कैसे डिवाइड करनी है या अपॉर्चुनिटीज कैसे देनी है? तो अगर हमारे पास फीमेल भी हैं तो हमें एक तो उनको वो जो हम सोचते हैं कि हमें एहतराम भी करना है, साथ लेके भी चलना है और अपॉर्चुनिटीज भी देनी है साथ में, तो वो कंपोनेंट हमें साथ रखना पड़ेगा। बीइंग फीमेल व्हाट आई फील कि हमें खवातीन को साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि हम तरक्की में आगे बढ़ सके। अदरवाइज ऐसी नेशंस हैं जो कि इंक्लूसिव नहीं हुई है, एक्सक्लूसिव रही है, तो एक्सक्लूसिव होने के साथ उन्होंने नुकसान भी उठाया है। तो हमें वो नेशन नहीं बनना कि हम अपने एक ग्रुप को पीछे रखें एक को आगे लेके चलें। तो इसके साथ बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, तो क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो हम फील करते हैं कि जिंसी हिरासानी हमारा बहुत बड़ा मसला है। तो जिंसी हिरासानी हम कहीं पे भी किसी भी लेवल पे चले जाते हैं तो जिंसी हिरासानी यानी कि सेक्शुअल हरासमेंट जो है उसको टैकल करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ग्रुप में भी ये पॉलिसी मौजूद होगी। और खवातीन को इससे तहफ़ देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये मौका ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब मेरा टॉपिक इस तरह का है तो मुझे उस पर बात करना पड़ेगा। तो यूथ की जब बात करते हैं तो इसमें एक तो ग्रुप आ गया फीमेल का, एक ग्रुप आ गया पढ़ा लिखा तबका जो है जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल्स तक पहुंच चुका है, एक वो जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, एक तबका वो है जो कि निग्लेक्टेड है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता किसी भी वजह से।